हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ ऐश्वर्या और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही क्विक और बहुत इजी रेसिपी, बनाना चॉकलेट स्मूदी। ये खाने में बहुत ही टेस्टी है और बहुत ही जल्दी बन जाती है, तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाना है। तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को जरूर हिट कीजिएगा ताकि आप हमेशा नोटिफाई रहें मेरे आने वाले वीडियोस के लिए। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे आपके में लाइक और शेयर कीजिएगा। बनाना चॉकलेट स्मूदी बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए यहाँ पे बनाना, जिसे हमने इसे कट कर लिया है। चॉकलेट, चॉकलेट आप चॉकलेट कंपाउंड भी इसमें ले सकते हैं, डार्क चॉकलेट ले सकते हैं। यहाँ पे मैं डेरी मिल्क ले रही हूँ, इसे हम मेल्ट कर लेंगे। 1 टेबल स्पून कोको पाउडर, 1/4 स्पून वेनिला एसेंस और लगेगी आइसक्रीम। आइसक्रीम आप कोई भी ले सकते हैं, लाइक फ्रूट आइसक्रीम ले सकते हैं, चॉकलेट आइसक्रीम ले सकते हैं और वेनिला आइसक्रीम ले सकते हैं। मैं यहाँ पे फ्रूट आइसक्रीम ले रही हूँ, इसका भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और करीब एकदम चिल्ड ठंडा दूध लेंगे 1/2 कप। अब हम चॉकलेट को मेल्ट करेंगे, तो चॉकलेट को मेल्ट करने के लिए हम इसमें डबल बॉयलर का इस्तेमाल करेंगे। डबल बॉयलर में हम एक पैन में इस तरीके से पानी को गर्म कर लेंगे। यहाँ पे हमारा पानी एकदम गर्म हो गया है, अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसके अंदर हम इस तरीके से जो हमने चॉकलेट रखी थी उसे इस तरीके से इसके अंदर रख देंगे। चॉकलेट को कभी भी डायरेक्ट गैस पे गरम ना करें, ये जल जाती है। और ये इस तरीके से इसमें ये मेल्ट होने लगेगी। हमारी चॉकलेट बहुत अच्छी तरीके से मेल्ट हो गई है, ये देखिए इस तरीके से बहुत अच्छी तरीके से ये एकदम मेल्ट हो गई है। अब यहाँ इसके जार के अंदर हम सबसे पहले डालेंगे आइस क्यूब और डालेंगे बनाना, चॉकलेट, कोको पाउडर, देन मिल्क एंड वेनिला एसेंस। लास्ट में हम इसमें ऐड करेंगे आइसक्रीम। और अब हम इन सबको अच्छे तरीके से मिक्सर में मिक्स कर लेंगे, ब्लेंड कर लेंगे। और ये रेडी है हमारी चॉकलेट बनाना स्मूदी।